मम्मी पापा गुस्सा आएगा राधा श्री के ऊपर, उसकी एक्टिविटी के ऊपर, गलत एक्टिविटी कर दी, गलत बात बोलती, तेरा होगा नहीं होगा, इसलिए हेट द सिन, बोले हेट द सिन नॉट द सिन, उसका खुद का प्रभाव है, तीनों गुणों के प्रभाव में है, अब कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, ठीक है, जब खुद का प्रभाव खत्म होगा सब अच्छी संगति मिलेगी, दोष निकल जाएगा, निकल जाएगा उसको संगति निकल गया, निकलेगा दोष, संगति की तो कमी है ना, संगति का दोष आ रहा है। भगवान कह रहे हैं जब भगवान किसी का कुछ हरण करते हैं कब करते हैं, किस पर करते हैं, किसका करते हैं, कब करते हैं, जिस पर विशेष कृपा करते हैं, किस पर, उस पर हमारा आपकी कृपा करते हैं, कोई चिंता नहीं करना, उस कैटेगरी में धीरे धीरे विशेष कृपा पर जैसा होगा, प्रभुपाद जी के पास डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब धनगोल, प्रभुपाद जी के पास कुछ लोग आए, बड़ी टेंशन थी, बहुत काम का टेंशन थी, टेंशन बहुत टेंशन, प्रभुपाद जी मुझे आपकी विशेष कृपा चाहिए, तो विशेष कृपा करिए, बिल्कुल ठीक, सिर मुड़ाओ, ब्रह्मचारी एड्रेस पर डॉक्टर बैठ जाओ, सिर मुड़ाओ, ब्रह्मचारी का ड्रेस दो इनको, आगे बैठ जाओ, विशेष कृपा मिल गई, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे ठीक हूँ, थोड़ी देर बचिए, विशेष कृपा नहीं चाहिए, इतना ठीक है मैं कर लूँगा अपने, हमको विशेष कृपा के अधिकार ये नहीं है, विशेष कृपा भगवान जिस तरह की, जब किसी व्यक्ति के मन में तीव्र उत्कंठा हो जाए, मुझे भगवान के चरण का मन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्या सोच रहा है वो, मुझे भगवान के चरण का मन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब वो कृपा का पात्र बनेगा, उसका आकर्षण कहाँ पर उसमें, सब कृष्ण के चरण में आकर्षण, संसार में आकर्षण उसमें, और जब भगवान उसका देते हैं, जब किसी अधिक कुछ देते हैं तो उसको बोलते हैं 5% देते हैं, 10% देते हैं, जितना लिया है 50% देते हैं, कितना परसेंट देते हैं, उसके बदले में कुछ हैं, 100% और भी बोले, भगवान जब कुछ लेते हैं तो उसका लिए समझो उन्होंने जितने का लिया उसका 5% देते हैं, 10% देते हैं, 50% देते हैं, कमल शर्मा करें 101% देते हैं, आप बताए कितना परसेंट देते हैं, हैं लाख गुना के लिए, हजार गुना, लाख गुना करते हैं, ये समझ में चलता है, जब किसी कुछ देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा देने के लिए देते हैं, अब उस कैटेगरी में जो आना चाहे जो मैं तो नहीं आ पाए, जब बलि का लिया उन्होंने कुछ भी बदले में क्या दिया, स्वयं को दिया, धार पर, जब प्रहलाद से लिया उन्होंने कुछ उसका मान सम्मान क्या दिया, अपने आप को, जब धुर का उन्होंने अपमान करवाया, धुर का अपमान हुआ, उसकी माता ने उसको निरादर किया, बदले में क्या दिया, दोनों का राज दे दिया, वैकुंठ से भी पत्थर वैकुंठ, तो कभी डरे नहीं इस बात को, अब कृष्ण के शरण में जाते हैं, गोपाल लिखते हैं, दो हु हैव सरेंडर्ड टू कृष्णा दे आर नेवर लूजर्स, दे आर कमिट नो मिस्टेक, जो भाग्यवान है वही यहाँ आएगा, बाकी भटकेगा सत्य के लिए, जब भाग्य खुलेगा तब कृष्ण के पास आएगा, क्या सत्य है या नहीं, आप लोग बोलिए, जय जय कृष्ण भज है, जय बड़ो चतुर, मेरा भाई कह रही है मैंने लीनो तराजू तो लीनो तराजू तो तब देख लिया और कहीं कुछ रखा जो कुछ कृष्ण चरण में, वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा से देख लगा, कृष्ण के बाहर आ रहा है समझ के कि यही सर्वस्व हैं वहाँ पे आता है, इन लोग ये कथा आगे चल रही है, खत्म करते हैं इसको आगे, तो बलि महाराज को भगवान ने सुंदर लोक का राज दे दिया, स्वयं द्वार पर बन के रह गए, ठीक है, रावण भी आया था वहाँ पर, भगवान ने बहुत दूर फेंका था, कोई खत्म नहीं जा रहे थे, अब कहना क्या हुआ बाद में, जब बलि महाराज चले गए वहाँ से, उनका द्वार पर खोल दिया गया, सब कुछ हो गया, भगवान शुक्राचार्य से बोले, हे शुक्राचार्य, आप कर्मकांड के सबसे बड़े विद्वान पंडित हैं, मुझे ये बताइए बलि का कौन सा दोष था जिस कारण से वो सबसे वंचित हो गया, कैसा प्रश्न है ये, बल्कि यहां बता रहे हैं, यद्यपि उच्च कुल में जन्म और ऐसे ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति बाधक होते हैं क्योंकि झूठी प्रतिष्ठा घमंड के कारण, किंतु भगवान के अनन्य भक्त को ऐसे ऐश्वर्य में विचलित नहीं करते। प्रभुपाद जी के जीवन में क्या हुआ, प्रभुपाद जी झांसी प्रचार कर रहे थे, समाचार आया इलाहाबाद में उनकी फैक्ट्री थी दवाइयाँ बनाने की, समाचार आया कि वहाँ पर कुछ कारीगर उनके वर्कर्स ने चोरी कर ली, तो उनको चिंता नहीं,
कुछ का समाचार आया फैक्ट्री में आग लगे, सब कुछ जल के भस्म हो गया। डॉक्टर बोले जस्याम प्रणामी और इश्चित तक धनजन, जब आप मेरी विशेष कृपा हुई आगे सबको ध्यान रखें। तो पाल सबको झल के भगवान ने, जिसमें नाम बताया था कल, उनके घर में इतने पैसे नहीं थे, तो वो 54 वर्ष की अवस्था में थे, उनकी पत्नी को चाय और बिस्कुट लाने के लिए उनकी किताब बेच कर आनी पड़ेगी। ये स्थिति थी हमेशा कभी बस कॉल बेच कर। तो प्रभुपाद भगवान ने टेस्ट किया, सब कुछ देखे और बाद में सब कुछ देखे, दो बार टेस्ट हो गया। इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि चारों बाजू प्रभुपाद का डंडा बजने लगा। जगह जगह मंदिर बनने लगे, बड़े ईश्वरपुर मंदिर बनते चले, और प्रभुपाद पर कोई प्रभाव जब गया तब भी नहीं पड़ा, जब आया तब भी नहीं। इतना सम्मान इतने शिष्य, जब भारतवर्ष में प्रभुपाद आए बम्बई में अपने शिष्यों को लेकर, तो सुमती महाराज ने भारतीय गवर्नमेंट के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, भारतीय गवर्नमेंट पार्टी के पास ऑर्गेनाइज किया। तो वहाँ पर ये सब अंग्रेज लोग नाच रहे थे, तो लोग बोले प्रभुपाद यू आर ब्रॉट द डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, सभी धाती नाच रहे हैं आप कैसे कर दिए। पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं लेके गए यहाँ से और उसको दिया और उसके ऊपर नाम से लोग नाच रहे। कोई उनको घमंड किसी प्रकार का नहीं, किसी प्रकार की नाच पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भक्त का सच्चा रहस्य, जब दिया तब भी फर्क नहीं पड़ा, जब दिया तब भी फर्क पड़ा। मैंने कौन कौन ऐसा जब लेने फर्क पड़े देने फर्क पड़े, हम ऐसी स्थिति में हैं, अगर ले लेंगे तो फर्क पड़ जाएगा और दे देंगे तो भी फर्क पड़ जाएगा। ऐसा है कि नहीं, उनको सुनकर हमें समझना है, उनके हम क्षमता रखते। राधा माँ के नाम बोलिए, यू शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ फेलियर एंड प्रिजनर ऑफ सक्सेस। सफलता के कैदी बंदे में रह जाए, कमेंट हो जाए, जो कहते हैं हमारे गुजराती में, दुख में भूलो नहीं, बोलो दुख में और सुख में भूलो नहीं। भगवान ने गीता में कहा मातर प्रसाद को अंत, मान सम्मान दोनों में विचलित मत होना, सुख और दुख विचलित मत होना। अब मान सम्मान और सम्मान विचलित नहीं हो, व्यक्ति को समझ में आता है चलो मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा मन प्रभावित नहीं, विचलित नहीं हो, मान में विचलित क्यों नहीं हो, मैं विचलित कैसे होऊंगा। मैं लोग मान से विचलित हो जाते हैं, भ्रमण में भूल जाते हैं, सच्चे मार्ग में भूल जाते हैं, विनम्रता भूल जाते हैं, स्वभाव भूल जाते हैं। इसलिए सब कहा जाता है। जब शुक्राचार्य ने पूछा उन्होंने, शुक्राचार्य कहते हैं कह रहे हैं उतस्तत्तर वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेश यज्ञ पुरुष सर्वभागं बोल रहे हैं कुतस्तत्तर वैषम्यम। श्लोक मिल पा रहा है, उस व्यक्ति के कर्म में कौन सा दोष हो सकता है, कुत कौन सा तत्व मतलब उसके कर्म कर्म में वैषम्य विषमता हो सकती है। यस्य कर्मेश्वरो भवान, इसके कर्म का मुख्य लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना है, उसके कर्म में कोई दोष नहीं रहता। यज्ञेश यज्ञ पुरुष सर्वभावित पूजता, इसके यज्ञ के स्वामी भगवान है, यज्ञ के फल की भोक्ता भगवान है, तो सब कुछ किसके लिए है, कृष्ण प्रसन्नता के लिए है। आगे बोले, आपको बोली मेरी बात, मंत्र तस्तंत्र छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम अनुसंकीर्तनम्। तो शुक्राचार्य कह रहे मंत्र तंत्र छिद्रम, मंत्र के उच्चारण में तंत्र पूजा के विधान में कोई ना कोई दोष रहता ही है। मंत्र का छिद्रम देश अर्थात स्थान, देश काल का समय या पूजन की सामग्री में कोई ना कोई दोष रहता है, होता नहीं होता है। जल शुद्ध नहीं होगा, भावना शुद्ध नहीं होगी, स्थान शुद्ध नहीं होगा, और रहता है मोह शुद्ध नहीं होगा, कोई दोष रहता है। मंत्र तंत्र छिद्रम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दोहरा रहा हूँ बार बार, ये भी नहीं बार अभी। मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल और वस्तुतः, लेकिन उन समय जो दोष रहता है ना,
हाँ मिल गया, एक 8, 23, 15 और 16 मंत्रतः चित्रम बोलिए आप उसको मंत्रतः अनुवाद सुनिए अपने मंत्रतः वैदिक मंत्रों का कृत उच्चारण करने के कारण तंत्रतः कर्मकांड पालन करने के अधूरे ज्ञान से छिद्रम अर्थात दोष देश अर्थात स्थान काल अर्थात समय अर्हम अर्थात पात्र जन व्यक्ति वस्तुतः अर्थात सामग्री सर्वम ये सब करोति करता है निश्चिद्रम त्रुटि रहित अनुसंकीर्तनम आपके पवित्र नाम का कीर्तन तब बताओ आपका भगवान कह रहे थे हमें शुक्राचार्य के अंतर देते हुए यदि कोई व्यक्ति कोई पूजा पाठ भी करता है कोई भी अन्य कर्म करता है विधि करता है तो कोई ना कोई दोष होता ही होता है मंत्र दस तंत्र छिद्रम देश काल वस्तु का लेकिन सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम करो अगर आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करने से सारे दुख क्षम हो जाते हैं कर्म के विषय में कौन कह रहा है कर्मकांड विद्वान पंडित शुक्राचार्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोई भी कार्य करें घर गृहस्थी में अपने भोज का कार्य भी नहीं करें हरे भी बोल करें जो भी करें सारे दोस्त निकल जाएंगे क्योंकि अपने आप से कह देते हैं जब भी कुछ कर रहे हैं नहा रहे हैं जा रहे हैं खा रहे हैं ऑफिस में जा रहे हैं सोने जा रहे हैं यात्रा पर जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं हरे मन को उच्चारण करें भगवान की प्रार्थना निवेदन करें कि आप मेरे साथ में रहिए मेरे को सुनना दीजिए ऐसा करते हैं तो हमारे अपने भगवान भक्ति नहीं भगवान पिता में कह रहे हैं और हमारे कार्यों का दोष अपने आप नहीं करना है तो संक्षेप में बलि महाराज ने दिखाया संपूर्ण समर्पण करने में भी उसी वर्ष नॉट इज लूजर और लूजर नहीं थे विनर थे हमेशा तो जीवन का जो सर्वाधिक लाभ है वो कब प्राप्त होगा जब हम अपना सर्वस्व श्री विष्णु को अर्पण करते हैं तन मन बच्चे से पूरे अर्पण कर दें और जीवन पूर्ण साल का प्रवेश कर दें तो और बाबा देव ने दिखा दिया ये भी कि जब तक हमारे जीवन संतोष नहीं होगा सब कुछ मिल जाएगा तो अभी संतुष्टि आने वाली बहुत सारी शिक्षाएँ संक्षेप में तुम ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते हो जब बातों का तो अभी आपने बताइए क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी आपकी बात से ये बात ध्यान रखें जो लोग प्रचार करते हैं प्रचारकों के विशेष इसमें से संदेश देना चाहते हैं वो ये है जब हम प्रचार करने जाते हैं लेकिन प्रचार करते समय हमारा उद्देश्य बिल्कुल 100% ये होगा कि हम उस व्यक्ति को कुछ देने जा रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा क्योंकि हमारे मन कोई कामना होगी तो जैसे ये लाभ मिल जाए धन मिल जाए सम्मान मिल जाए सुविधाएँ मिल जाए पूछपरछ मिल जाए रियायतें मिल जाए तो वो प्रचार प्रसार वी आर नॉट गोइंग टू बैक समथिंग टू टेक समथिंग वी आर गोइंग टू गिव समथिंग प्रभुपाद जब विदेश गए तो यही बोले मैं कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ मैं कुछ देने जा रहा हूँ सिखाने जा रहा हूँ तो चिंता की बात नहीं बताइए कि चिंता क्या अच्छा लगा कौन बोलना चाहते हैं आप बोलेंगे ये क्लियर हो गया आपको कावरा जी जिससे उन्होंने प्रणाम भगवान अगर कुछ लेते हैं अरे तो नहीं लेंगे वो अरे का स्वीकार भी नहीं करेंगे उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया उन्होंने अगर लेते हैं तो बहुत विशेष अवग्रह करने का लेते हैं बहुत सोना का बच्चा लेते हैं तो उसको बहुत ही कहने के और एक उसका महिमा स्थापित करते हैं ये बात कथावाचक कर रहे कथावाचक की बात को लोग दोहरा देते हैं मैंने ऐसा देखा हम कथा में जा रहे भाई भगवान की भक्ति कैसे करे हम सबको ले लेते गलत हमें खुला देते भगवान लेंगे इसका अब क्यों लेंगे आज माता पिता बच्चे से अगर कुछ छीनते हैं तो ले लेते हैं किसके लेते हैं उसके कल्याण के लिए या उसको सताने के लिए या दंड देने के लिए और ये बात इस बारे में भागवत में 10वें स्कंद में पूरा विशेष अध्याय पूरा इस बात के लिए जहाँ परीक्षित प्रश्न पूछते हैं अभी इसकी चर्चा आज भी नहीं कर पाऊँगा अभी परीक्षित पूछते हैं कि भगवान विष्णु दशमी के पति हैं भगवान के स्वामी हैं जो उनकी पूजा करते हैं देखते हुए तो कंगाल रहते हैं धन संपत्ति से बिल्कुल रहते हैं धोती लपेटी लपेटा वृंदावन में रह रहे निवास करने से कुछ छोड़ जाते हैं और शिव जी के भक्त भी शिव जी स्वयं शमशान में रहते हैं एक तो घर भी नहीं है अपना खुद का उनके भक्तों के बाद एक भंडार भरा रहता है इसका कारण क्या है पूरा चैप्टर इसके ऊपर बताइए कोई क्या क्या जिसको अच्छा लगा वो पॉइंट
माइक से बोलिए। माइक है ना आपके पास? माता जी का, माता जी बोलने से कमीशन नहीं आपके पास? यस बोलिए। माइक माइक है ना, चालू नहीं बोला माइक कमल, माइक चालू नहीं बोला, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ। हरे कृष्ण। ये जो गलत धर्मी अगर नहीं निकलेंगी ना तो हमारी भक्ति में बाधा आएगी चीज़, उनकी गलत धर्मी को निकालना बहुत जरूरी है। इसका जी आप बोलिए। जिसने एक बार भगवान को जान लिया उसका शरणागत हुआ, जाना नहीं भी दो बात कहते हैं, कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है पर शरणागत होना आसान। चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है, भले हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, लोगों को कहने सारे शरणागत हो रहे हैं, कृष्ण जब रहे हैं तो वही लाभ हो जाने वाले हैं। विशेषता है भगवान को जानना कठिन है, क्योंकि जब वो जनाते तभी सोई जाने जे देव जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए, हम नहीं जानते उनकी महिमा को, पर हर भी जब रहे हैं भाई उन्होंने कहा तो भी वही लाभ प्राप्त होगा। अब आप अपनी बात नहीं कह रही थी, आपकी बात नहीं है, आपकी बात कह रही थी, कहिए ना, आप ऐसी कह रही थी। तुम क्यों भक्ति करें, मतलब परेशानी नहीं खत्म होगी, भक्ति करने का लाभ क्या है? अरे भक्ति इसलिए कर रहे हैं, अशांति है जीवन में, परेशानी आ रही है, भक्ति कर रहे हैं, वो सहन शक्ति बदल जाएगी, दृष्टिकोण हमारा बदल जाएगा, शक्ति को पहचान। तो ये ना समझे भक्ति करने से भगवान हमारे गुलाम बन गए, हमारी सेवा करेंगे, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए या भगवान सेवा करवाने के लिए? इसलिए कह रहे हैं भक्ति, अगर हम सेवा करवाने के लिए कर रहे तो भक्ति नहीं है, वो भोग है, वो कर्मकांड एक प्रकार का। समझ आ रहा है ये बात? हम भगवान की दासता, हम दास बनने के लिए कर रहे हैं, भगवान दास बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले ही पूजा किया करते थे, पूजा करते थे, मेरा ये काम कर देना, मुझे परेशानी दूर कर देना, हम मालिक हैं, आप सेवक हो, तो आप बदलना होगा। यस नेक्स्ट। असुर सबकी तरफ देखता है, खुद की तरफ नहीं देखता, बाहर देखता है, अंदर नहीं देखता, मेरे अंदर क्या गड़बड़ है, मेरी कमी क्या है, असुर वहाँ देखता है। तो अभी हमको देखना होगा हमारे अंदर कितनी देवी दृष्टि है, कितनी आसुरी दृष्टि है, इसने ये गलत किया, उसने गलत किया, वो ये करता है, वो ये करता है, मैं तो कुछ भी गलत नहीं करता हूँ। प्रभु जी मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं आज तक, करना बहुत बुरी बात है, होश भी नहीं कब का किसका क्या किया, किसका भी दिखाया होगा कहीं होगा। और प्रभु जी भी बोले कुछ, आप बोली मदद। हाँ जो हम फ्लाइट में बैठते हैं बिल्डिंग छोटी नहीं होती, हमारी दृष्टि ऊँची हो जाती है, जब भक्ति करते हैं परेशानी कम नहीं होगी, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, छोटी लगे कोई खास बात नहीं, चलता है, होता ही होता है, सबके जीवन में आता है ना, आएगा ही ना, पत्नी करो नहीं करो तो क्या फर्क पड़ता है, चलो करते हैं। हमारे भक्तों क्या कहते हैं, ऐसा है भैया देखो भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ढंग से भक्ति होती नहीं, मैं तो कुत्ता ही बनने वाला हूँ आगे चलने से, पहले कुत्ता ही बनता मैं, अगर भक्ति नहीं करता तो कुत्ता ही बनने वाला था, अब कभी भक्ति करना कुत्ता बनता, कुछ भक्ति करना तो होता कुछ ऊँचे भाव भगवान का भक्त, मतलब कहने का तात्पर्य है कि भक्त है वो कभी ये जीवनता मेरा ये अधिकार बन गया है, मैं तो बहुत गिरा हुआ मेरा स्थान ये होता है इधर। यस और तो कभी भी कोई बोले क्या चला है इसको शरद एक्चुअली बलि के जो अध्यात्म होते हैं उनका लाल मिला प्रधान शिक्षाओं के कारण थे, उनके अंदर शिक्षा भावना थी, कुलगुरु ये कुलगुरु थे, इसलिए ये कहा गया है यदि किसी व्यक्ति ने बिना जानकारी के कोई गुरु का वर्णन कर दिया हो, ये तो मैंने किया था, और बाद में समझ में आया कि भाई ये मेरे को पूरे अध्यात्म के मार्ग वैकुंठ नहीं ले जा पाएंगे, ऐसे गुरु को हम क्या सकते क्या कहना चाहिए, अभी तो गुरु को ग्रहण करना चाहिए, इस सिद्धांत बड़ी ने दिखाया कि वो गुरु हमको भगवान की भक्ति में बाधा बन रहे थे, ऐसे गुरु का क्या करना चाहिए, उनमें कोई दोष नहीं है। हाँ ये बात जरूर ध्यान रखें, यदि किसी ने किसी व्यक्ति को गुरु वर्ण किया हो और मालूम पड़ जाए कि शुद्ध वैष्णव नहीं है, उनकी निंदा नहीं करें, उनकी निंदा न करें, त्याग करें, उनमें कोई दोष नहीं है, दूसरे गुरु का वर्ण करें। तो कहा गया संप्रदाय विहीन आइए मंत्रता से निष्फरा होता, और कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, सारे ब्राह्मण के गुण उसके अंदर हों, भगवान का भक्त नहीं हो तो त्याज्य, कोई अगर शुद्ध कुल में पैदा हुआ है, मांसाहारी को भी पैदा हुआ है, भगवान शरणागत हो जाता है तो वो ब्राह्मण नहीं श्रेष्ठ, शर्ट कम निपड़ो मंत्र तुम विशारदर अवैठ मुकुर न जा
अगर वो अवैष्णव है, शुद्ध वैष्णव नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए? विषाद का सिद्धांत है, अरे बस विराज में आ गया, अरे छोटो में बिता गया, कदम पुराण में बिता गया, क्योंकि क्या समाज में इस बात की लोगों को जानकारी नहीं है। हमने तो गुरु कर लिया, अब उन गुरु को करने से आपकी भक्ति की प्रगति हो रही है, बारे बन गया उल्टा हुआ, तो क्या करो उनको? उसे गुरु ग्रहण करो, ताकि जीवन प्रगति करो, क्या प्राप्त करो गुरु तो अपने, और किसको क्या अच्छा लगा कौन बताएगा? माइक से बोलिए ना, माइक चल रहा है। भगवान बलि को छनने नहीं आए थे, भगवान बलि का उद्धार करने के लिए। भगवान बलि का उद्धार करने, जब इंद्र का जब भगवान ने मान मर्दन किया, जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, उन्होंने देखा इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही स्वतंत्र हूँ। ऐसा है ना, देवताओं को भी बार 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 मोह होता है। एक बार गलती नहीं करी इंद्र ने। देखिए विशेष बात, जब भगवान कृष्ण देव के गर्भ में थे, कंस के कारागार में, सब देवता आकर उनकी स्तुति किया करते, उनको मालूम पड़ गया कृष्ण यहाँ आए हुए हैं। गर्भ स्थिति है दूसरे अध्याय में दसवें स्कंद में, है ना, गर्भ बहुत सुंदर गर्भ स्थिति है। इसके बाद क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, जब गोवर्धन पूजा की खाए पूजा, इंद्र ने क्या कहा, ये कुछ लड़का कौन है, लाभ में देखता उसको, कौन हो गया उसको। भगवान ने गोवर्धन पूजा किस लिए करवाई है? इंद्र का मान वर्धन करने के लिए, इंद्र का मान वर्धन करने, उसको सही बुद्धि लाने के लिए। फिर इंद्र ने गलती करी दोबारा, फिर गलती करी, भगवान पारिजात का एक पुष्प लेके आए पर्वत, तो लड़ने को आ गया मेरे यहाँ पारिजात, इतने सारे हजारों पेड़ लगे उसके नंदन कानन में पारिजात के, और एक पेड़ भगवान देवी का, तो क्या हो गया, लड़ने को आ गया। फिर देवता भी बार बार भ्रमित होते हैं, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, अगासुर का वध किया भगवान ने, तब भगवान ने देखा कि भगवान है, अगासुर का वध कैसे कर सकता है कोई, जब देखा कि तो बार बार वो झूठा खा रहे, अरे भगवान ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा परीक्षा देता हूँ मैं, तो मैं ही मोहित हो गई। तो देवता भी माया के अधीन है, भगवान माया के बड़े, तो आप बताइए भगवान का बोलते हैं अहंकार, अहंकार नष्ट करते हैं। भगवान ने कहा है ये बात, जब नारद जी को अहंकार हुआ कि मैंने काम को जीत लिया, जीता काम है तो मनमानी, तो भगवान बोले तो और अंकरेव गर्व उत्तर भारी, और अंकरेव गर्व उत्तर भारी, अपन हमार सेवक हितकारी, अपन हमार सेवक हितकारी। और अंकरेव गर्व उर में मतलब हृदय में अंकरेव अंकित हो गया, और अंकरेव गर्व उत्तर भारी, बहुत गर्व घमंड आ गया कि मैं तो शिव जी से श्रेष्ठ हूँ, मैंने काम को जीत लिया, तो पन मतलब प्रतिज्ञा है हमारी, संकल्प हमारा, विरद है हमारा, पन हमार सेवक हितकारी, सेवक हित कर, चाहे उसको कड़वा लगे मीठा लगे, भगवान मीठी छुरी नहीं मारते, कभी दवाई देते। जो संपत्ति शिव राम कोई संपत्ति बताइए, और क्या अच्छा लगा इसको? विष्णु भगवान जो है वो आप बताया कि वो हृदय में, उनके हृदय में बैठने के लिए लेकिन हमारे तो मन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे से दोष आते रहते हैं, वैसे तो वो तो एक अलग वो है, देखिए यदि किसी व्यक्ति ने कम सरेंडर किया है, भगवान उतना प्रतिशत जिम्मेदारी देते हैं उसको, और पूर्ण समर्पण किया पूरी जिम्मेदारी देते हैं, भगवान का जीव था मन प्रपत जन के काम करते बजा में उस प्रपोर्शन में भगवान जिम्मेदारी देते हैं। अभी हमारे शरणागत कितनी है, भगवान थोड़ी जिम्मेदारी देते हैं, जब पूर्ण शरणागति होगी, जब प्रभुपाद जी थे पूर्ण शरणागत लेके नहीं थे, महादेव जी पूर्ण शरणागत थे, प्रभुपाद ने उनका योगक्षेम भेंट किया कि नहीं किया, उन्हें चिंता थी क्या, बिना पैसा दिए अमेरिका चले गए, कोई फॉलोअर नहीं था, है ना, तो उसका भगवान कर नहीं करें योगक्षेम पूर्ण शरणागत। इसके बाद देखिए आप, अगर किसी ने थोड़ी भी सेवा करी भगवान की, थोड़ी भी सेवा करिए, भगवान अपने आप को देख, जटायु कितनी सेवा की, शबरी कितनी सेवा की, उपजन कितनी सेवा की, सुग्रीव ने की, विदुर ने की, भगवान ने आपको कर दिया। लेकिन
अगर व्यक्ति वैष्णव का थोड़ा भी ऑफेंस करता है सब नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो कबड्डी के एक पाले में माया है और एक पाले में हम हैं और कृष्ण हमारे पाले में चले आए, जीतेगा कौन? कृष्ण हमारे साथ। और अगर हमने वैष्णव का अपराध किया तो क्या होगा? कृष्ण चले जाएंगे माया के पाले में, तो कौन जीतेगा? मर्दी मच्छर किसी में ले जाए। अभी देखिए आप, इंद्र ने दुर्वासा मुनि का अपराध किया, हाथी में जा रहे थे, हाथी को माला पहना दी, हाथी में इंद्र को माला पहना दुर्वासा मुनि ने, है ना, इंद्र ने वो माला लेके हाथी को पहन दिया, हाथी को चल दी, दुर्वासा एकदम नष्ट हो गए, दोस्तों सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद दिवस संग्राम हुआ, चित्रकेतु ने शिव जी का अपराध किया थोड़ा, आपने शायद कुछ न सुना हो, कितना समय बाकी है? 10:15 खत्म करना पड़ेगा, 2-4 मिनट। इनकी स्टोरी नहीं सुना आपको, सब भागवत में यही चीज़ें, तो इन्होंने अपना जाना शिव ने अपराध किया, वो कौन बना? प्रत्याशु बन गया, कैसा अशोक बना? जबरदस्त प्रत्याशु, पूरे ब्रह्मांड में रखे हुए सिर्फ इसलिए शिव जी का अपराध नहीं किया उसने, उसने यही कहा शिव जी गोदी पार्वती को बैठ के और बिठा के और कथा कर रहे थे, तो उसने यही कहा इनका गौरव देखो, लेकिन वो पार्वती धुल गया, फांस उड़ा शिव जी का, ये बच्चा समझाएगा शिव जी को? ब्रह्मा जी मौजूद हैं, इंद्र मौजूद हैं, ये शिव जी को समझाएगा? उनको बुरा लगे, उन्होंने श्राप दे दिया, असुर हो गया, तो श्राप दे अपराध दे क्या बन गया, वो असुर बन गया। इसके बाद दक्ष ने शिव जी का अपराध किया, सिर कट गया, गले का बकरे का सिर कट गया। शौवरी मुनि ने गरुड़ का अपराध किया, 50 विवाह हुए होंगे। नलकुंज मणिपुर ने नारद जी का अपराध किया। जय विजय ने चारों कुमार का अपराध किया। सांबा ने साधु का अपराध किया, हमारे पेट में कौन सा गर्भ है, लड़का की लड़की है, इस प्रकार से तो द्वारका नष्ट हो गई उसके कारण। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपराध किया। दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया, है ना, क्योंकि अजामिल ने किसी का अपराध नहीं किया था, पापी था वो, तुरंत उद्धार होकर भी हो गया। तात्पर्य कहने का आप लोग बोलिए, पाप जो है, पाप ये है धूल लेप, धूल लेप बोले धूल लेप, और अपराध जो है वह वज्र लेप, वज्र लेप। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहीं मिट्टी दी, मिट्टी में कोई लिख दिया आपने, कब तक रहेगा वो? थोड़ी हवा आएगी मिट जाएगा। पत्थर भी आपने लिया और कोई वो लेके ऐसी कोई पहली चीज़ लेके उस पर आपने कुछ लिख दिया, वो मिटेगा कभी जीवन में? नहीं मिटेगा। पाप इतनी भयंकर चीज नहीं, इतना अपराध भयंकर वैष्णव का। आगे देखिए आप, बैड एसोसिएशन का क्या फल हुआ? कैके भगवान राम को कौशल्या से ज़्यादा प्यार करती थी प्रेम, कैके सब कुछ उनको देना चाहती थी हमेशा, थोड़ा सा और थोड़ा सा मंत्रा का उसने संग ले लिया, थोड़ा संग लिया मंत्रा का, परिणाम क्या हुआ? सब कुछ उल्टा। दुर्योधन ने शकुनी का संग किया, सब कुछ उल्टा हो गया। अब दूसरी तरफ देखिए आप, वैष्णव एसोसिएशन का फल, नारद जी दासी पुत्र थे दासी पुत्र, कोई कुल परंपरा का नहीं पता था उनका, कोई उनके पास किस प्रकार की पूंजी नहीं थी पुण्य की, मतलब वैष्णव की सेवा करी, नारद बन गए दासी पुत्र से। उसके बाद प्रहलाद और ध्रुव, प्रहलाद कहाँ पैदा हुए थे? असुर कुल में। नारद जी की संगति मिली उनको माँ के गर्भ में, भगवान शुद्ध भक्त हो गए। ध्रुव को नारद की संगति मिली, भगवती का भगवान की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को नहीं देखा था, सिर्फ फलवालियों से जब फल सब्जी लेने जाती थी, माँ कृष्ण के बारे सुन के चले जाती थी, फिर से आते थे फल वाले बेचने, तो सुनते कृष्ण का यश उनका आकर्षण बन गया, थोड़ा संग मिला, सब कुछ अर्पण करके कृष्ण को उन्होंने अपने उठा दे, थोड़ा वैष्णव से सूचना फल दे दिया। इसके बाद किंग रहुगण, थोड़ा जड़ भर का संग मिला, छठे अध्याय में छठे स्कंद में लिखा था, जड़ भर के थोड़े उपदेश से उनका पूरी मति भ्रमण निकल गया और वैष्णव बन गए वो। प्राचीन बड़े नारद जी का संग किया, विभीषण ने हनुमान जी का संग किया, भगवान मिल गए उनको। और जिन्होंने वैष्णव संग छोड़ा, ऐसे कई सारे पत्र मेरे पास लिखे हुए थे, भरत महाराज राजा थे, युवावस्था में राजपाट छोड़ के और वन में अकेले आकर रहने लगे, कोई संग नहीं था, परिणाम क्या हुआ? हिरण बनना पड़ा उनको, 3 जन्म लेने पड़े उनको। दुर्योधन धृतराष्ट्र ने जैसे ही कृष्ण को विदुर को त्यागा, परिणाम क्या हुआ? रावण हिरण्यकश्यप ने विभीषण को त्यागा, प्रहलाद को त्यागा, सताया, परिणाम क्या हुआ? तो जो भी व्यक्ति वैष्णव का अपराध करते हैं उनकी मानसिक तुम आश्रय होता है। अब आपका प्रश्न क्या होगा, वो आपको उससे स्पष्टीकरण होगा कि पूछना। तो हिरण्यकश्यप एक्चुअली 6 विजय हैं भगवान के पार्षद, इसलिए वैकुंठ जा पाए, तो भगवान ने हृदय प्रवेश किया, उससे शिक्षा ये मिल रही है कि भगवान को चिंता थी इसको उद्धार कैसे करूँ, पहली बार उसने उसके हृदय प्रवेश किया। भगवान फिर मंगल जा रहे थे ना, वो तो भगवान को मारना चाह रहा है, क्या कह रहा है वो? विष्णु को मारना चाह रहा है, भगवान कैसे उद्धार कैसे करूँ, छोड़ के बदला कैसे दी,
दूसरा उसकी दृष्टि बाहर होती है धर्मचार असुर दृष्टि बाहर को होती है अंतर्मुखी नहीं होती मेरी गलती क्या है मैंने क्या कभी जन्म नहीं देखा बस और भी क्लियर हो गया सब कुछ प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा हुए भगवान के भक्त बन गए बाकी के वंशज तो भी भगवान के भक्त हैं 21 पीढ़ी में 21 पीढ़ी भगवान स्वयं पूछना चाहिए बलि को असुर क्यों मनाएंगे असुर कुल में ही पैदा हुए असुर नहीं है असुर कुल में पैदा हुए असुर कुल क्यों अब प्रहलाद महाराज की बात कर तो चेंज हो जाएगा मैं बताता हूँ पूरे मैंने कुछ भी बताया था एक कहा डेथ जो दिल्ली के वंशज ने क्या कहा कि डेथ दिल्ली के वंशज डेथ कह रहे हैं जैसा विभीषण था एक बार क्या हुआ ऐसे में कुछ चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई रावण इस प्रकार से शिव जी की पूजा करता था इतना ज्ञानी था इतना तपस्वी था सबका फिर भी असुर था वो तो फिर पता ऐसा था तो बोले वो तो क्या नाम है असुर था तुम्हारे भविष्य कौन थे भविष्य में उसको पैदा हुआ था भगवान भक्त बन गया तो ये कोई किसी भी तुम्हें पैदा हुआ हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता अगर भगवान शरणा का गुरु भगवान प्राप्ति करेगा पहली बात नंबर टू आपका जाना असुर कुल में कहलाता है वो कुल असुर का कहलाता है कि असुर मैंने आपको बताया असुर मानसिकता है अगर कोई मिला बेटा ब्रह्मचारी बन गया उसकी जो कमाई होती घर में जाकर पढ़ता मिला रुपया पढ़ना बंद हो गया लोगों की भावना रहती थी अच्छी बहू आती धन लाता कमा के लिए होता वो होता वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गया पूरा खुद कर गया उसका आगे पीछे उसका जो भगवान उसने जो अपने परिवार के लिए योगदान किया है घर में रहने वाला योगदान नहीं करा बच्चा उसको अगर उसने पूर्ण समर्पण कर दिया कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण अगर किया किसी व्यक्ति ने परिवार के अंदर तो उसके परिवार वालों को पिछली पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ी भगवान ने बचत किया कृष्ण भगवान ने कितनी चल जाती है तो कुल तो कहलाएगा वही दैत्य कुल में ही ना कुल तो दैत्य है एग्जाम्पल वो आपका बयानी बोले बयानी एग्जाम्पल तो बयानी को नहीं कहलाएगा ना इस पर कुल वो कहला रहा है असुर नहीं है बलि महाराज या प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय भक्त शिरोमणि बोलते हैं बोलते हैं कुल को ही कहलाएगा रावण का कुल को ही कहलाएगा ये मानसिकता है खाली आज जो वैष्णव है बनना जा रहा है कल को उसकी मानसिक असुर जैसी हो सकती नहीं हो सकती है जैसे अपराध करेगा असुर मानसिक बन जाएगी तो है ना सकाम भाव करेगा देव देवी मानसिक बन जाए देवता मानसिकता बन जाएगी तो ये मानसिकता है कि ये कोई वो रूप नहीं है जैसे कपड़े पहनेगा जैसे सींग लगे हुए सब और किसी को अच्छे लगे आज पॉइंट में से कोई ध्यान आ रहा है पॉइंट कोई शिक्षा हाँ शानू बोलना चाहते हैं कुछ दादा भैया दादा सिंह बोलना चाहते हैं कुछ